अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने हाफ कप जितना घी ले लिया है। यहाँ हमारे पास 1.5 कप जितना बेसन है जिसे हमने छान लिया है अच्छी तरह से। अब हम इस कढ़ाई में ये बेसन ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे। जब ये इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा इसमें, अब इसमें हम 3 टेबल स्पून घी और शामिल करेंगे और इसे भूनेंगे। अब हम 2 टेबल स्पून और घी ऐड करेंगे। हमें इसका टेक्सचर थोड़ा रनी सा चाहिए। अगेन इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। तो बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगे, लाइट ब्राउन जैसा, बेसन हमारा यहाँ लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जितना पानी शामिल करेंगे। फौरन से चमचा चलाएंगे। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे। इसमें 2 मिनट तक हमें मुसलसल चमचा चलाते रहना है फ्लेम ऑफ करके। जी तो बेसन हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इस तरह से रनी टेक्सचर होना चाहिए इसका। अब इसमें हम 1 टीस्पून जितनी हरी इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून बादाम पिस्ते क्रश किए हुए ऐड करेंगे और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारे पास पाउडर्ड शुगर है, हम ये ऐड करेंगे इसमें क्योंकि ये झटपट बन जाने वाले बेसन के लड्डू हैं। इसकी जगह आप भूरा भी तैयार करके डाल सकते हैं या मार्केट से भी तैयार भूरा अवेलेबल हो जाता है, वहाँ से भी आप परचेज करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भूरे वाले लड्डू मैं आपको बनाना सिखाऊं बेसन के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ हमारे पास 1.5 कप जितनी चीनी है, पाउडर शुगर। अब हम इसमें हाफ अभी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा, जितना आप मीठा ज़्यादा कम खाना पसंद करें। तो इस तरह से मिक्सिंग करनी है इसकी अच्छे से। 1 कप और 1/4 कप हमने इसमें पाउडर शुगर यूज़ की है, ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे तरह से। अब हम इस पे क्रश किए हुए बादाम पिस्तों से गार्निश करेंगे। ये तो मज़ेदार से बेसन के लड्डू हमारे बनके रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।